ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि पापा के मुंह पे बोल दिया। ठीक है, 30,000 लाइक इस वीडियो पे और मैं बता दूंगा मैं अपनी बेइज्जती फ्री में नहीं बेचता। वेल देन, इट्स टाइम फॉर अ स्टोरी टाइम। अब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कांड किए हैं, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा भी एक डेडिकेटेड पेज रहना चाहिए कि प्रदीप द हरामी, हरामियों का हरामी। अब चलो गाली वाली कांड की बात करते हैं। ये बातें तब की जबकि मैंने हिंदी अच्छे से सीख लिया था, साथ में गालियां भी। देखो, जानता तो मैं बहुत गालियां हूँ और एक बाई एक मैं सब गालियां बताते जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो डिमोनिटाइज नहीं करनी। लेकिन मैं फिर भी गाली दूंगा, कैसे वो तुम आगे देख लेना। मेरे रियल लाइफ में सिर्फ दो दोस्त है। दो दोस्त बस, लोनली कई का? क्या क्या गलत है भाई दो दोस्त रखने में? मैं सिर्फ दो पक्के दोस्त रखना ज्यादा पसंद करूंगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक 20 फ्रेंड्स जिनका बर्थडे भी मुझे याद नहीं रहता। और बर्थडे विश करना भूल गया तो? अबे तेरा बर्थडे ही भूला हूँ। देशद्रोही साला, दोस्त का बर्थडे भूलता है? चल पार्टी तो दे। अबे बर्थडे तेरा है, तू पार्टी दे। वाह, देशद्रोही कई का मेरे से पार्टी मांग रहा है। देखो, मुझे नहीं चाहिए यार बहुत दोस्त जो कि मुझे रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते रहते हैं, या तो वर्स सैड स्टेटस। समटाइम्स इट इज ओके टू गेट हर्ट, इट जस्ट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आज उन्होंने मुझे गिराया, कल वो मेरे सामने गिरेंगे। ये बेटे अटेंशन चाहिए तुझे, इधर ला। चल हट। क्रिंज कई का, इसलिए मेरे सिर्फ दो दोस्त हैं जिनका इंटरेस्ट हरामीपन सब सेम लेवल पे है। क्योंकि देखो यार, हम तीनों का एक दूसरे से कनेक्टेड है। वेट, वो बहुत गलत सुनाई दिया। मेरा मतलब हम तीनों का जुड़ा हुआ है। नहीं, ये भी गलत सुनाई दे रहा है। आई मीन हम एक दूसरे को अंदर से छू सकते हैं। सब गलत क्यों सुनाई दे रहा है? लाइक हम लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी ना एनीमे मॉमीज की तस्वीरें डाल के 9 में से 10, 100 में से 10। सही बोल रहे। So, इनमें से एक दोस्त मेरा मुंबई का है जो कि यहाँ पे रहता है मेरे सिटी में। इसकी फैमिली एक्चुअली यहाँ की है, लेकिन ब्रो गॉट रेज्ड इन मुंबई, द वड़ा पाव सिटी। सो मेरी हिंदी इज ऑलरेडी गुड, सो आवर फ्रेंडशिप वॉज गुड टू। और इस बंदे की मदद से मैंने और हिंदी सीखी। बीच में हम दोनों का एक और दोस्त बना जो कि मेरी तरह ही मेरी सिटी का ही था। सो हम तीनों की दोस्ती बैट के ग्रिप से भी मजबूत बन चुकी थी। खुद सचिन सर ने हम सबको ये बोला है, ठीक है। ए सुन बे, ये बैट का ग्रिप ना, ए भेड़िया इसको जान ले, तुम तीनों की दोस्ती इससे मजबूत है। शुक्रिया सचिन सर। सो हमारा ये मुंबई का दोस्त हमें बहुत सारी संस्कारी शब्द सिखाता था, लाइक हम लिटरली 5 साल के बच्चे। और ये हमारा शिक्षक, इसने हमें बहुत सारी गालियाँ सिखाई, जैसे कि वक्त आ चुका है बिना इस वीडियो को डिमोनेटाइज कराए गाली देने का। बैंगन चोर, मटर चोर, बहन के लवर, रैंडी ओटन के बच्चे। सो ये सब जब मैंने पहली बार सुना तो मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ था। इट्स लाइक तुम एक बच्चे और तुमने अभी अभी डिस्कवर किया कि तुम एक गोले में हो जो अभी स्पेस में है और वो हवा में उड़ रहा है। वाह, इसका मतलब मैं भी हवा में उड़ सकता हूँ। हाँ, लगता है मर गया। चलो अभी पूरा टीवी मेरा। सो अब हम तीनों ने लिटरली एक आइडिया किया कि देखो लोंडो, हमें पता है कि यहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती। हाँ तो क्यों ना हम लोग पब्लिक में ये गालियाँ जोर से बोल के देखे। मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया था। तो फिर देर किस बात की? गो पावर रेंजर्स, हम गए अपने लोकल दुकान में। कोई नहीं समझा। फिर हम गए बस स्टॉप में जहाँ पे लिटरली 20 से 30 लोग थे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। बाद में गए पास वाले पार्क में जहाँ पे कपल्स थे, लाइक बहुत सारे। इन्होंने इस पार्क को अपना सामाजिक ओयो रूम बना के रखा था। सो ये हमारे लिए बेस्ट प्लेस था। या ये लोग अपने ओयो बाजी में बिजी थे कि किसी ने घंटा फर्क नहीं दिया। फिर मुझे मिला एक लोनली बंदा जिसका प्रोबेबली ब्रेकअप हुआ था। मैं उसके पास जाके बोला, ए तू ये देख, चाट चाट, देख क्या रहा, आजा चाटना। शायद गान दिखा के नहीं बोलना चाहिए था। सो हमारी इतनी पब्लिक इंटरेक्शन के बाद मुझे लगा, इधर साउथ में तो यार किसी को भी इन चीजों का मतलब ही नहीं पता है, इसका मतलब मैं कहीं पे भी गाली दे सकता हूँ। हाँ। बट सून प्रदीप की ये सोच गलत होने वाली थी। मैं अपने दोस्तों के साथ अगले दिन अपने रूम में बैठा था एंड मैं गुस्से में था हमारे इलेक्ट्रिकल सर के ऊपर, ठीक है, जो कि क्लास में आता है, पूरा नींद में होता है, कुछ तो थोरोली बक्के निकल जाता है। सो मैंने बोल दिया, ये अपना इलेक्ट्रिकल का सर साला एक नंबर का चूतिया है। क्या बोला तूने? ये तूने कहाँ से सीखा? उस वक्त मुझे एंड हमारे दोस्तों को पता चला, ब्रो समथिंग इज
सस, ये ऐसे क्यों पूछ रहे जैसे इनको पता है? ओ वेट, तुझे पता भी है ये गाली है? उन्हें पता है। फिर क्या था, मेरा तीसरा वाला दोस्त जो कि मेरी तरह ही मेरी सिटी का है, उसने तो बोल दिया। अरे अंकल जी, मुझे तो पता भी नहीं है ये हिंदी में क्या बोल रहे हैं। मैं घर जा रहा, मुझे मम्मी ने सामान लाने बोला था। तू ही हिंदी बोलता है, तूने ही तो सिखाया होगा ऐसे। हाँ भाई बोलना, मैंने क्या बोला? तूने ही तो बोला था मुझे बोलने को। अबे फिर मेरे पापा ने उसके पापा को बुलाया, फिर हम दोनों की पूजा हो गई। नहीं यार ये वाली पूजा नहीं। इवन दो आई विश की यही वाली थी, बट ये नहीं थी। सो इसके बाद एक्चुअली मुझे अपने पापा के सामने ना मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही थी पूरे लाइक आई डोंट नो एक महीने तक, क्योंकि अब तक मुझे एज अ इनोसेंट पर्सन देखा जाता था मेरे घर में, एंड मैं इनोसेंट हूँ, ठीक है? ओके ये झूठा। सो देयर यू गो, 30,000 लाइक्स के लिए मैंने अपनी बेइज्जती करवा दी। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रोने जाना है। बाय। ठीक है, खुश? अब खुश जान के तुम लोगों ने लाइक लिटरली 30,000 लाइक्स, मैंने पूछा था 40,000 लाइक्स कर दिया, जो मैं पूछता हूँ उल्टा करते हो, ठीक है? तो ये थी मेरी गाली वाली कहानी, एंड आई केप्ट माय प्रॉमिस, ठीक है? और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइक कर दो इस वाले वीडियो को भी, यू नो मैंने अपनी काइंड ऑफ वापस बेइज्जती करवाई है, ठीक है? तो यार ये थी मेरी कहानी, एम्बैरेसिंग कहानी, जो कि मैंने शेयर की, पता नहीं क्योंकि ओ यार चलो अब मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बाय यार।